नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक्स पर यानी ट्विटर पर दो वीडियो आए, दोनों वीडियो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में चुनाव बिल्कुल पीक पर है। इंडिया गठबंधन के तरफ से सभी बड़ी नेता, राहुल गांधी भी लगातार महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली आयोजित हो रही है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी, अमित शाह जी लगातार महाराष्ट्र के दौरे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य में कहा कि जो भारी जीत हमको हरियाणा में मिली वैसे ही महाराष्ट्र में मिलने वाली है। हरियाणा के मिली जीत के बाद जो उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज वक्तव्य तो दे रही थी लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए कि वो भी जान रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक नहीं है। जीत वैसी हो ना हो ये तो नतीजों के बाद ही पता पड़ेगा, लेकिन हरियाणा से भी बदतर हालत उनके रैली में आने वाले लोगों की दिख रही है। एक वीडियो में जहां नरेंद्र मोदी जी की रैली है, पूरी कुर्सियां खाली दिख रही है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, वो भी बीच बीच से उठ के भागते हुए दिखाई देते हैं। और एक दूसरा वीडियो है जहां लाखों की तादाद में लोग राहुल गांधी को सुनने जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हरियाणा में भी था। 22 विधानसभा क्षेत्र मिलके जो रैली हुई उसमें 10,000 तक की वो भीड़ प्रधानमंत्री के लिए जुटा नहीं पाए और राहुल गांधी के लिए लाखों की भीड़, खड़े होने को जगह नहीं तो लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, ये स्थिति थी। लेकिन नतीजे कुछ और आए। लेकिन फिर मैंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत बातें अलग अलग हैं। हरियाणा एक छोटा राज्य था, 90 सीटों की विधानसभा है, ये 288 की विधानसभा है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी। करीब करीब 17 जगह पे कांग्रेस में बैठे हुए भाजपा के स्लीपर सेल जो है उन्होंने टिकटों का खेल किया और अपने जीताऊ उम्मीदवारों को टिकट न देकर अपने ही दूसरे लोगों को टिकट दिया, जिससे 17 सीटें हार गए। इसके बावजूद मशीनों का खेल हुआ। ये सब होने के बाद भी कांग्रेस 37 पे आ गई। यदि वो टिकट ठीक देते, मशीनों का खेल भी होता, तो भी कांग्रेस 52 पे पहुंचती, क्योंकि मशीनों का खेल कुछ लिमिट तक होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी सीटों पे नहीं होता। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि टोटल 79 सीट्स पर मशीनों का खेल हुआ, जिसमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने नहीं, यहां एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एनडीए में शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार और बीजेपी है, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, साथ में शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये हैं। तो टोटल 6 दल महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए ये उनके राजनीतिक जीवन का बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि यदि वो महाराष्ट्र में चुनाव हारते तो कोई दूसरा राज्य नहीं जहां उसकी भरपाई हो सके, इसलिए वो जी जान से लगे हैं। भाजपा इसलिए जी जान से लगी है क्योंकि नरेंद्र मोदी का भविष्य संगठन में कौन
राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये सारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे तय करेंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये भी अपने वजूद के लिए लड़ेंगे, तो कांटे की टक्कर है। लेकिन ये जो दो वीडियो जो आप अभी देखोगे, एससी के तौर पर एक नहीं रहेंगे, अपनी ही अलग अलग जातियों में बंटकर झगड़ा करेंगे, तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगा। तो एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूं। एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी, और अभी एक महीने पहले हुआ है, वहां के लोग भूले नहीं है। ये दोनों वीडियो कहानी कुछ अलग बयां करती है। मैं अक्सर कहता हूं कि चुनाव 2014 के बाद एक अलग प्रक्रिया हो गए हैं। चुनाव अब पार्टी की विचारधारा, आपका घोषणा पत्र इसके नहीं रहे, चुनाव अब मैनेजमेंट के हो गए हैं। ऐसी ही रैलियां विधानसभा के चुनाव के समय अखिलेश की यात्रा में दिखती थी, ऐसी ही भीड़ रास्ते में उमड़ती थी। लेकिन तब भी मैंने कहा था कि ये बेरर चेक है, इस भीड़ को आप बूथ तक लेके नहीं जाएंगे तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, नहीं तो इसका मोल रद्दी का भी नहीं है। ऐसा ही महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को अपना मैनेजमेंट और पुख्ता करना होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए तो संघ का पूरा कैडर है। यहाँ शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पास कैडर नाम की कोई चीज नहीं, समर्थक है। दूसरी बात, जो लगातार नरेशन चल रहा है, कटेंगे तो बटेंगे, और इस नरेशन के जनक जो है योगी आदित्यनाथ, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स तो लग गए हैं मुंबई में, लेकिन फिर उनके सभाओं में भीड़ नहीं के बराबर होती है। वाशिम में तो ये स्थिति हो गई कि उनका भाषण तो सुदूर दिखाई दिया, लेकिन सामने भीड़ का एक शॉट भी नहीं, क्योंकि सामने कुछ लोग थे ही नहीं, बहुत ही कम लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के नाम पे धब्बा था। महाराष्ट्र में कई लोग कहते हैं क्या मोदी जी खाली कुर्सियों पे भाषण देने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। भाजपा के पास या एनडीए गठबंधन के पास कोई ठोस ऐसा घोषणा पत्र नहीं, और जो घोषणा पत्र है उसकी बात कोई नहीं करता। अर्बन नक्सल, संविधान को नक्सली सोच कहना, इसी वक्तव्य के साथ लगातार इंडिया गठबंधन पे प्रहार होते हैं। हरियाणा की जीत की दुहाई प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या किया इसका लेखा जोखा देने में वो कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि केंद्र हो या राज्य की सरकार हो, राज्य की जनता के साथ तो छलावा हुआ ही। किसानों की समस्या जस की तस है, बेरोजगारी जस की तस है,
और सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र से जो उद्योग भगा के ले गए गुजरात, मुंबई के कई जो कार्यालय थे वो गुजरात लेके गए हैं। कहीं ना कहीं ये गुजराती और मराठी अस्मिता का टकराव है। प्रयास तो सारे हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे लगातार अटैक भी हो रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन जनमानस के बीच में जो अंडरकरंट है वो बदलाव का है। क्या जनमानस की इस भावना को बूथ तक ले जाकर इसे निर्णय के रूप में इंडिया गठबंधन बदल सकता है? कम से कम ये दो वीडियो तो जनमानस का मानस बताता है। अभी राजकीय दलों का काम है कि जनमानस के अनुरूप वो नतीजे दे, क्योंकि नतीजे जो है वो कौन देता है? नतीजे मशीनें देती है, नतीजे मैनेजमेंट देता है। हरियाणा के चुनाव में हमने ये देखा, सब कुछ करने के बाद आखिरी दम तक यदि आप टिके नहीं रहे तो फिर नतीजे कुछ अलग आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं महाराष्ट्र में हूं, लोगों को देख भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ गायब है और राहुल के लिए भीड़ उमड़ पड़ रही है, इसके मायने आप भी देख लीजिए। एक तरह से मैं देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देता जो मैंने आपके सामने लाया। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।